इस वक्त बिहार के गोपालगंज में राजनीति का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। इस सीट पर उपचुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोकने में लगी हैं। लेकिन इस सीट पर जहां मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच दिखाई दे रहा था, तो वहीं अब इसमें दो लोगों की एंट्री से सारा गेम पलट गया है। तेजस्वी के मामा और दूसरे भाईजान के आने से तेजस्वी की जीत की उम्मीद कम हो रही है, क्योंकि यहाँ खेल अब बिगड़ गया है। गोपालगंज सीट पर महागठबंधन की ओर से राजद के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता इस सीट पर उम्मीदवार हैं। वैश्य वोट बहुल गोपालगंज में राजद ने काफी सोच समझकर यह उम्मीदवार मैदान में उतारा है। राजद ने सोच रखा था कि परंपरागत यादव और मुस्लिम वोट उसी की झोली में आएंगे, तो वहीं गोपालगंज सीट पर हो रहे उपचुनाव में शुरुआत में मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच बताया जा रहा था। कुछ दिन पहले तक यहां तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं था, लेकिन अब 9 प्रत्याशियों ने एंट्री मारी है, जिसमें प्रमुख एंट्री की बात की जाए तो पूर्व सांसद और विधायक लालू यादव के साले साधु यादव की है। साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। और दूसरी एंट्री की बात की जाए तो वो है AIMIM यानी ओवेसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम की। राजद इन दोनों की एंट्री से पहले यादव और मुस्लिम वोटों को अपना मानकर चल रही थी। ओबीसी के उम्मीदवार और बसपा से इंदिरा यादव की एंट्री के बाद पूरा चुनाव ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में सियासी जानकारों की माने तो साधु यादव ने ऐलान किया है कि पिछले 2 दशकों से लालू परिवार का गोपालगंज से कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि लालू परिवार का गोपालगंज जिले में पैतृक घर है, लेकिन साधु उन्हें अब प्रवासी बताते नहीं थकते हैं। साधु ने पहले ही कहा था कि उन्होंने गोपालगंज में विकास किया, तो वहीं AIMIM काफी आक्रामक कैंपेन करती है। मुस्लिम वोटर उनकी झोली में जरूर जाएंगे, उन्हें वोट जरूर करेंगे। उम्मीदवार अब्दुल सलाम की मुस्लिम वोटरों में पैठ बताई जा रही है। वो अपने क्षेत्र के ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब होंगे। अब आप समझिए कि MY समीकरण के सहारे सियासत साधने वाली राजद के साथ से उसके परंपरागत वोटर खिसक गए हैं। इंदिरा यादव के लिए साधु यादव दिन रात जनसंपर्क चला रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यादव वोटरों ने उन्हें पहले भी भरपूर वोट दिया है, इस बार भी साधु यादव का समर्थन करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं अब्दुल सलाम की एंट्री के बाद मुस्लिम वोट जो साधु यादव या तेजस्वी को जाते हुए दिख रहे थे, अब AIMIM के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि कुल मिलाकर तेजस्वी के मामा साधु यादव और भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि तेजस्वी JDU के बड़े नेताओं के साथ गोपालगंज में कैंपेन चला रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि उनका MY समीकरण नहीं बिखरेगा। सियासी जानकार बताते हैं कि यदि साधु यादव और ओवैसी की पार्टी यादव और मुस्लिम वोटों को बिखेर देती है, तो BJP इस सीट पर चुनाव जीत सकती है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर जीत किसकी होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फन इंडिया।